हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है। इसके पत्ते रेड कलर के होते हैं। बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट है। समर में इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। लोग इसको इंडोर लगाना पसंद करते हैं। मैंने भी इसका एक प्लांट ला करके और लगाया हुआ है। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इन दिनों, जबकि अच्छी तरह से गर्मी पड़ रही है और मेरे पोर्च में ये लगा हुआ है। प्लांट कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, मीडियम है। और अब मैं इसको और भी प्लांट बनाने वाली हूँ, इसीलिए से मैं अपने ये एग्लोनिमा आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं इसको किस तरह से हम एक से अनेक बना सकते हैं। एक प्लांट आप लाते हैं तो उसको कटिंग से आप कई प्लांट बना सकते हैं। और वैसे भी प्लांट जब आप लगा देते हैं तो नीचे उसके रूट से कई प्लांट निकलते हैं, और अभी इसमें निकल भी रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दो नोड निकली हुई है, और ये दो प्लांट हमारे बनकर रेडी होंगे। दो नहीं, ये तीन बनेंगे, क्योंकि एक ये है और एक यहाँ पर निकल रहा है, एक ये है। इस तरह से तीन प्लांट हमारे रेडी होंगे। और इस पुराने प्लांट को मैं यहाँ से कट करके और हटाने वाली हूँ, ताकि इनको भी मैं कहीं लगा सकूँ और इससे मैं कई प्लांट बना सकूँ। अगर एक प्लांट आप लाते हैं एग्लोनिमा का, तो उससे कई प्लांट आप बना सकते हैं। यही मैं आज करने वाली हूँ। और चलिए इसको काट लेते हैं। तो काटने के लिए मुझे बहुत ही एक शार्प ब्लेड चाहिए, और वो मैंने ले लिया है। एक छोटा सा मैंने वेस्ट पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डाल करके और उसको नमी बना करके रखा हुआ है। इसकी मैं छोटी छोटी ब्रांच काट करके और इसमें लगाऊंगी, जिससे कि वो भी प्लांट हमारे तैयार हो जाएं और फिर मैं उन्हें कहीं लगा सकूं। कुछ इंडोर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप ब्रांच काट के लगा देते हैं और वो इजली आपके गार्डन में लग जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने डेफेनबेकिया को भी इसी तरह से लगाया हुआ है। यहाँ पर प्लांट हमारा ये बहुत बड़ा हो गया था और मुझे इसको रिपोर्ट करना था, और काफ़ी लंबा प्लांट देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए से मैंने इसकी ब्रांच को काट दिया। ऊपर की टिप को मैंने इसी तरह लगा दिया है, और टिप देखिए अच्छी तरह से लग चुकी है। और यहाँ पर जो मैंने ब्रांच काटी हुई थी, इसमें भी अब ग्रोथ शुरू हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ शुरू हो रही है, और ये भी एक अच्छी तरह से लगा हुआ है। इस तरह से तीन प्लांट बन जाएंगे और ये काफ़ी घना व बुशी हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसे भी कई प्लांट बनाने वाली हूँ। और अब इसको बनाने के लिए मैं इसको काटने वाली हूँ। तो चलिए इसको पहले काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, और काटने के बाद फिर मिलते हैं। कुछ इस तरह से मैंने काट लिए हैं। दो इसकी छोटी ब्रांच मैंने काटी हुई है, और एक ये ऊपर की टिप है। और ऊपर की टिप मैं इसी पॉट में लगाने वाली हूँ, और थोड़ी सी मैं मिट्टी हटाने के बाद में इसको सिंपल इसी तरह से लगा दूँगी। और जो ये छोटी ब्रांचेस हैं, इनको मैं इस वेस्ट पॉट में लगाऊँगी, जो मैंने छोटा सा पॉट लिया हुआ है। प्लांट को बचा करके, इसकी रूट्स को बचा करके, और फिर थोड़ी सी मिट्टी हटा करके मैं इसको सिंपल इसी तरह से लगाने वाली हूँ। इस तरह से भी अगर आप लगा देते हैं तो आपका प्लांट लग जाता है। और इस टिप को मैं लगा कर देख रही हूँ, देखती हूँ कितने दिनों में ये तैयार हो जाती है। मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दीजिए, और अब मैं इसको रख दूँगी साइड में। मैंने इसकी टिप को यहीं पर इसी पॉट में लगा दिया है। देखते हैं इसकी क्या ग्रोथ होती है। और मुझे ये काम मार्च अप्रैल में ही कर लेना था, लेकिन उस समय ये प्लांट हमारा बहुत ही छोटा था, इसलिए से मैंने इसको छेड़ा नहीं। और अब मैं इसको एक से अनेक बना रही हूँ, देखती हूँ इसकी क्या ग्रोथ होती है। ये जो मैंने दोनों ब्रांच काटी हुई है, इसमें नोड निकल रही है, आप देख सकते हैं इसमें नोड एरिया है। कुछ करना नहीं है, केवल इसको सिंपल इसी तरह से रख देना है, और रखने के बाद में ऊपर से थोड़ी मिट्टी से कवर कर देना है। इस तरह से ये जो नोड निकल रहे हैं, इनको आप ऊपर के ही तरफ रहने दीजिए, ताकि ये आसानी से निकल सके।
इस तरह से हम एग्लोनिमा के कई प्लांट बना सकते हैं। अब हम इसको ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से कवर कर देंगे। हल्के हाथों, ज़्यादा दबाएं ना, नहीं तो आपकी ये कटिंग दबने की वजह से ग्रोथ नहीं करेगी। और बस मैंने इसी तरह से इस पर रख दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब इसको कहीं हम शेड में रख देंगे। देखते हैं ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है कटिंग, इसमें से शूट्स कितने दिनों में आ जाती हैं। मैं आप लोगों से वीडियो फिर शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि इसकी क्या ग्रोथ हो रही है। तो अगर एग्लोनिमा को प्रोपोगेट करना है, एक प्लांट से कई प्लांट बनाने हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट काफ़ी महंगा होता है और कई प्लांट लाना संभव नहीं है, इसलिए आप एक से कई प्लांट बना सकते हैं। तो इसी तरह एक से अनेक आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।